हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग की ट्रिप शुरू हो रही है। हम लोग लखनऊ से अभी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं अपनी, वो मैं रास्ते में आपको बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग के साथ टोटल 5 लोग हैं। हम लोग अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock in the morning और जस्ट हम रेडी हो चुके हैं, अब निकलने वाले हैं यहाँ से। बाकी चीज़ें मैं रास्ते में आपको बताता रहूँगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारी ट्रिप बिगन हो चुकी है और ये हम लोग का पहला टोल प्लाजा, सीतापुर वाला टोल प्लाजा है। तो हालांकि आप लोगों ने देखा कि हम लोग सीतापुर टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे, तो अमूमन अंदाज़ा आप लोग लगा लिए होंगे कि हम लोग किस साइड जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग उत्तराखंड साइड जा रहे हैं। उत्तराखंड में हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम। कैंची धाम जो है नीम करोली बाबा जी का स्थान, वहाँ हम लोग दर्शन करेंगे और वहाँ से डिसाइड करेंगे हम लोग किस साइड जाएंगे। हो सकता है नैनीताल साइड जाएँ, हो सकता है रानीखेत जाएँ, तो अभी बाद में डिसाइड करेंगे। बाकी इस समय रास्ता देख रहे होंगे आप, पूरा का पूरा खाली है। तो अर्ली मॉर्निंग जाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको भीड़ बहुत कम मिलती है, रश नहीं रहता है रास्ते में और आराम से हम लोग रास्ता कवर कर सकते हैं। ये जो रास्ता हम लोगों ने चूज़ किया है, ये सीतापुर रोड से जो लखीमपुर खीरी वाला रास्ता बना है, तो ये शॉर्टेस्ट रूट दिखा रहा था, इनफैक्ट फास्टेस्ट रूट दिखा रहा था। तो हम लोगों ने ये चूज़ किया जो कि बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग है। चार दोनों तरफ एकदम हरियाली है, बीच में रोड है जैसा आप देख रहे हो, और पूरा रास्ता एकदम सुबह के टाइम एकदम खाली था, विदाउट ट्रैफिक था, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई जाने में। अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं चाय ब्रेक के लिए। इस रास्ते पे जो है कोई भी बढ़िया ढाबा आपको नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं मिला, खाली ये छोटी सी दुकान मिली, वो भी आंटी सुबह सुबह खोल रही थी। तो हम लोग जल्दी से आए नाश्ता पानी करने के लिए, थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। बाकी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सब लोग चौंक गए, एक ईंटा गिरा था तो सब लोग देखने लगे उसको। बाकी निकलते हैं यहाँ से। ये हमारे साथी हैं जो हंस रहा है मेरे व्लॉगिंग पे। ये है मेरा दोस्त आरपी, ये वाइफ लक्ष्मी, ये मेरी वाइफ प्रतिमा, मेरी छोटी बहन प्रकृति। ये हम लोग मिनी पुल क्रॉस कर रहे हैं, सिंगल मिनी पुल। ओहो भाई साहब, डैम, नदी, कुदाओ भाई, कुदाओ भाई, कार कुदाओ, नाव बनानी, अब यहाँ से पहाड़ दिखना चालू हो गए हैं ना, वो सामने दिख रहा है किधर, बीच से। हाँ ये सामने से दिख रहा है, सामने से। पहाड़ आ गए, वाह पहाड़ आ गए, बादल देखो। अच्छा ये रात में, रात में अगर लाइट वाइट जले तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई साइड कर लो, साइड ही नहीं कर रहा है, सुनाई नहीं पड़ता, दिक्कत क्या है हम लोग यहाँ, जिसको देखो बीच रोड में चल रहा है, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, बोलते हैं तुम्हें हटाना है, जाओ हम नहीं हटने वाले। अंकल को दिक्कत है, हम कहाँ गलत है यार, अपनी साइड से हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं हम गलत है। फाइनली हम लोग पहला पहाड़ दिख गया।
भैया लोग का कुछ ना कटेगा या कुछ नहीं कटेगा। अरे भैया टहल रहे हैं हम, कहाँ यार तुम टहल रहा है वो कोई मतलब नहीं है उसको, तुम जाओ चाहे ना जाओ हम तो नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। भाई यहाँ पर ना सुनने वाले कोई नहीं है, इन लोग के कान नहीं है खुद ही बच बच के चलना पड़ेगा। हाँ खुद ही बच के चलना है हम लोग को कान बंद है सबके, कान बंद है। पतीला पतीला मिल रहा है भाई चाय बनाने के लिए यार लकड़ी वकड़ी भी मिल जाएगी, पतीला मिल जाएगा, एक कोने में चल के बैठ के चाय बनाई जाए, दूध पे पैकेट खरीद लेंगे। वो देखिए सारी गाय गाय भी है भाई, दूध भी मिल जाएगा। ये सामने भैंस है, हाय भैंस कैसी हो, मिस यू, बाय बाय। चार पांच एक डाले में चार पांच ऐसे। अभी हम लोग चल रहे थे तो हम लोग को याद आया कि यार हम लोगों ने तो सनरूफ से फ़ोटो ही नहीं ली है, तो हम लोगों ने सनरूफ का भी यूज़ कर लिया। हमारी किया में, किया सोनेट में सनरूफ भी अवेलेबल था, तो हम लोग सनरूफ से भी थोड़ा नज़ारा लिए। और ये नज़ारा जो है आपको रियल आंखों से ही लेना चाहिए, कैमरा इसमें जस्टिस नहीं कर रहा है, कोई भी कैमरा हो कैसा भी हो, लेकिन वो जस्टिफिकेशन कैमरा नहीं कर सकता जो रियलाइज़ करती है। तो कभी भी आप जाइए तो इसीलिए बोला जाता है ट्रिप पे जाने के लिए कि आप जो चीज़ देखते हो वो कैमरे में कैद करके आप उसको यादों के तौर पे रख सकते हो कि उसको याद किया जा सके था कि वहाँ का व्यू कैसा था। हालांकि यहाँ का व्यू थोड़ा बहुत समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि कैसा है। ये हम लोग यहाँ पर रुके हैं, ये नंधौर वन्य जीव आभाश्रय, बहुत बढ़िया भैया इधर बहुत। ये देखो यहाँ से वाटर क्रॉसवे है, अभी पानी इतना है नहीं, पानी अभी सूखा पड़ा है यहाँ पे ना। ए भाई ये वादियाँ, अरे ये देखो जंगल है पूरा, ये उधर पहाड़ है। यहाँ हम लोग का हो रहा है मैगी ब्रेक, चाय एंड मैगी ब्रेक। ओए पपी हेलो, क्या हाल है भाई, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। ये देखो कौन आया हमसे मिलने, कौन है भाई, मैक्स का दोस्त है। ये हमारी आगे तीसरी मैगी चाय, अभी और मैगी और चाय आ रहे हैं। Hello. क्या भाई ये फोटोग्राफर फोटो लेते हुए, एक पति का फर्ज निभाते हुए ये पति अपने में ही बिजी हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अब कैची धाम, नीम करोली बाबा जी का आश्रम है ये कैची धाम, और भोवाली में पड़ता है, नैनीताल से 22 से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। और अब
हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं पार्किंग के लिए, पार्किंग के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, कहाँ गाड़ी खड़े, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हालांकि भीड़ की वजह एक ये भी है कि 15 जून को यहाँ पर स्थापना दिवस था, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। और वेकेशन चल रही है, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, इनका दर्शन करते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। और आप लोग हालांकि जानते होंगे कि बहुत ही नामचीन लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उनमें से एक हैं स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, और ये कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं जो विदेश से आई हुई हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं अपने जो विराट कोहली जी हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आके दर्शन कर चुके हैं। चलते हैं, हम लोग भी दर्शन करते हैं महाराज जी के आश्रम में, आके दर्शन वर्शन करके प्रसाद वसाद लेके फिर निकलते हैं यहाँ से। हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे और वहाँ से हम लोग अब निकल चुके हैं मुक्तेश्वर के लिए। बीच में ये एक सीन पड़ा, मैंने सोचा इसको कैप्चर करते हैं, आप लोग को अपडेट भी दे देते हैं कि हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ रुके हुए थे, थोड़ा फोटो सेशन हुआ है। यहाँ की फोटोज देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, तब आपको यहाँ की फोटोज देखने को मिलेगी। यहाँ का व्यू देखिए कैसा था। देखना इंस्टाग्राम पे सारी फोटोज। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। अब हम लोग का डिसाइड हो रहा है कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाएं। हम लोग जाएंगे मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर पे दर्शन करेंगे महादेव जी के, फिर वहाँ से रिटर्न होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।